हाय हेलो नमस्कार मुझुदा आपको स्वागत करुच्ची बिंगना चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आज आम भिडियो कौन कथापी जाऊे देखो 4070 नर्सिंग अफिसर पोस्ट आम मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करने जाऊे। तो जमा भी भिडियो को स्किप न कर लास्ट जाए देखो। आज जब भिडियो भल लगे निश्चित लाइक करूँ, कमेंट करूँ, आपंक सांग सहित आपंपर ग्रुप्रे सेयर करूँ। आम ह्वाट्सअप आ टेलीग्राम ग्रुप्र लिंक दि जाए डिस्क्रिप्शन में, सेठी जाइए आम सहित जॉइन होते आज जब किसी भी क्वारी अच्छी आम सहित डिस्कसन करेंगे। तो ठीक अच्छे यही भिडियो को देखा चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को ऑल रखु। तो ठीक अच्छे सब भिडियो भी मुझे भिडियो में 10 नंबर क्वेश्चन में आपको गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारि तार आंसर जाना आपको निश्चित तले कमेंट करार अच्छी जल्दी जल्दी देखिए तले कमेंट कर दिंतु। तो ठीक अच्छे आज भिडियो को स्टार्ट करवा। आज भिडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखुची कालीर भिडियो जो प्रश्नटे पचारि जाता तो तार आंसर टी कौन हम देखो। आइडेंटिफाई द इमेज, तो ये इमेज टी मुझे देखी कि ये इमेज टी कौन आपको कहार अच्छी। ऑप्शन देता वेन सर्किट, वेंटिलेटर सर्किट, बेन सर्किट, आंबु मास्क। बहुत पिला कन्फ्यूज आ बहुत पिला भी रॉन्ग आंसर दे, बहुत पिला भी राइट आंसर दे। तो जमा भी ओरिड हूँ ना जदि न जापार मन रखु एबू आमी आगे जमा न भूल करती। ठीक अच्छे तो यहीटा आमर कौन ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बेन सर्किट। बेन सर्किट स्पेलिंग लिखु देखु दैट इज बेन सर्किट। ठीक अच्छे तो बेन सर्किट नॉट वेंटिलेटर सर्किट नॉट बेन सर्किट। ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज होना यहाँ हूँ आम कौन ना बेन सर्किट। ठीक अच्छे यहाँ मेनली कौन पर यूज करा हुए मुझे देखे दूसरी। तो यहाँ आमर कौन पर यूज हुए बेन सर्किट। बेन सर्किट आम कौन पर यूज हुए ना जो आम गोटे पेसेंट को गोटे वेंटिलेटर रे गोटे पेसेंट अच्छी आम गोटे जगह को ट्रांसफर करुचे कि वेंटिलेटर बिना आम जब गोटे किसी जगह को नौचे आमर एटा यूज हुए जोटा कि यहाँ मेनली आमर ओटी एंड आईसीयू रे एटा बहुत यूज हुए जोटा कि आमर गोटे ब्रिदिंग देवाई आम एटा कम कै। ठीक अच्छे पेसेंट को पोर्टेबल करने पेसेंट को ट्रांसफर करने आमको यहाँ भी यूज होता है। ठीक अच्छे भाई आप बुझीपारे तो आज क्वेश्चन आज भिडियो को आम स्टार्ट करवा। तो देखो देखो आज भिडियो फास्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो युस्थानासिया इज कौन कहला ना युस्थानासिया माने कौन। ऑप्शन देखो प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी ना पोस्ट बॉटम ना कौन कहला ना पुटिंग इनटू पेनलेस डेथ ना नॉन ऑफ द अबव। युथानासिया माने कौन आपको बतेबार अच्छी प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी ना पोस्टमार्टम ना पुटिंग इनटू पेनलेस डेथ ना नॉन ऑफ द अबव आ भितर कोटा नुह। तो आपको जब जना अच्छी राइट आंसर तो तले निश्चित कमेंट कर दिंतु मुझे 100% रिप्लाई देवी। तो आर राइट आंसर कौन हम ना दैट इज ऑप्शन सी दैट इज पुटिंग इनटू पेनलेस डेथ। देखु कौन कहला ना पेनलेस डेथ आम गोटे पेसेंट को जब आम पेनलेस डेथ करुचे डेथ करोचे तो आम कौन बोली कहवा ना युथानासिया। देखो एक्सप्लेनेसन आपको कही रखुची आपण मर जमा भी जमी न भूलती डेफिनेसन अफ युथानासिया कौन देला द आक्ट अफ प्राक्टिसींग आंड किलिंग और परमिटिंग द डेथ अफ होपलेसली सिक और इंजोर्ड इंडिविजुआल्स सच आज पर्सनस और डोमेस्टिक आनिमल्स इन ए रिलेटिवली पेनलेस वे फॉर रीजन्स ऑफ मर्सी। तो कौन कहला ना जी कि आपने देखिथे आईसीयू क्षेत्र में जब अच्छा आपने बहुत यहाँ को रिलेटेबल करेंगे जहाँ कि आम मेनली कौन हुए ना आम टोटल कौन हुए ना जो माने कि सिक हेले आ जो माने इंजोर्ड इंडिविजुअल हेले जी कि टोटल आमर भल हो पारे तो जोटा कि आम ब्रेनडेड हो जाए गोटे किसी पेसेंट मानक जोटा कि किसी भी कम कर खाली ऑक्सीजन से माने बंची थे आ किसी भी माने बेटर डेवलपमेंट किसी भी हो न। तो आम कौन करवा से फिजिशियन मैंने गोटे मर्सी देखे गोटे दया देखे आम जी पेनफुल मानने डेथ दौचे तो आम कौन बोली कह युस्थानासिया। ठीक अच्छे तो भाई मैंने बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो दुई नंबर क्वेश्चन देखो दुई नंबर क्वेश्चन कौन देती ना अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड आज ए विजुअल एक्यूटी ऑफ द बेटर आई लेस देन कौन कहला ना अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ब्लाइंडनेस आमर केते विजुअल एक्यूटी रु आमर कम हेले आम ताको कौन बोली कह ना ब्लाइंडनेस। ठीक अच्छे तो ऑप्शन टी शुणी रखु 6/60 ना 5/60 ना 4/60 ना 3/60 तो केते आमर विजुअल एक्यूटी केते रहिले माने केते रु कम रहिले आम ताको ब्लाइंडनेस बोली कहिबा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ठीक अच्छे तो आज आम राइट आंसर कौन हम यदि आपको जना निश्चित तले कमेंट कर दिंतु। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी दैट इज 3/60 तो 3/60 जदि आम विजुअल एक्टिविटी रोचे देन आम कौन बोली कहवा ना ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ठीक अच्छे मुझे एक्सप्लेनेसन आपको देखे दूसरी जहाँकि जमा भी आप मैंने भूलु ना। तो देखो
कौन देची ना विजुअल एक्यूटी लेवल टू डिफाइन ब्लाइंडनेस बिकॉज़ द आईसीडी डेफिनेशन एंड डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड यूज ऑफ ए विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60 टू डिफाइन ब्लाइंडनेस कौन कहला ना अकॉर्डिंग टू आईसीडी डेफिनेशन एंड डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड कौन करची ना विजुअल एक्यूटी जदि हमर लेस देन 3/60 रहूची देन हम तको ब्लाइंडनेस बोली कहिबा ठीक अछि तार केते कौन रेंज में आपको देखी दूसरी माइल्ड मॉडरेट सीवियर आम देखो माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड ब्लाइंडनेस माइल्ड रे केते रहइबो विजुअल एक्यूटी वर्स देन कम रहइबो केते 6/12 6/18 मॉडरेट रे रहइबो 6/18 6/60 सीवियर रे रहइबो 6/60 3/60 ब्लाइंडनेस कौन देइछि ना विजुअल एक्यूटी वर्स देन 3/60 जदि हमर 3/60 रु कम रहुची विजुअल एक्यूटी आमे ताको कोन बोली कहबा ना ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ठीक अछि बाबू जी आपण माने बुझी परले त हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंदु द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 5 आवर्स इट शुड बी एडमिनिस्टर विथ ब्यूरेट सेट ठीक अछि द नर्स हैज टू सेट द ड्रॉप पर मिनिट टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट अमाउंट कैलकुलेट इट कौन कहिला ना डॉक्टर एडवाइस करले हमर 500 ml 5% डेक्सट्रोज चालिबो केते घंटा रे 500 ml 5% डेक्सट्रोज चालिबो 5 घंटा रे से तापर कोन देछि को सेट रे चालिबो आईबी सेट देइनी कि हमर आईबी सेट माइक्रो सेट देइनी कि माइक्रो सेट देइनी एडी कोन देछि ना ब्यूरेट सेट आपण एटी कंफ्यूज हेबे ठीक अछि मु आपनकु क्लियर करि कहि देबि ब्यूरेट सेट माने कोन तो वीडियो को बिना स्किप करि देखंदो तो ब्यूरेट सेट देछि द नॉर्थ हैज टू सेट द ड्रॉप फैक्टर तो आपने जानते हैं ड्रॉप फैक्टर केमी कैलकुलेट कराए आगे ऑप्शन डी देखी दिखुं यदि न जानते हैं मुझे आपको ये वीडियो कहीदेवि देखो ऑप्शन डी 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनिट ना 80 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनिट ना 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनिट ना 80 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनिट ठीक अछि आ भीतर हमर राइट आंसर कोन होबो देखंतु आगो कोन दै छी ना ड्रॉप फैक्टर रो फार्मूला आपन जाना थिबार अछि ड्रॉप फैक्टर रो फार्मूला कोन ना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन मिलीलीटर हम जति भी हमर जदि फ्लूइड थिबो जदि एठी हमर 500 ml दे दै छी सेति भी हमको किछ कन्वर्ट करय पड़िबो नै जदि 1 लीटर थांदा हम ताको 1000 ml करि थांदे कन्वर्ट ठीक अछि त आपनको सब बेले एटा को ml रे रखिया को पड़िबो ठीक अछि तापर कोन ना इनटू ड्रॉप फैक्टर तो ड्रॉप फैक्टर को जदि आपन सेठी गोटे क्वेश्चन जदि ड्रॉप फैक्टर डायरेक्ट दे दीजिए मेंशन कर दीजिए कि ड्रॉप फैक्टर 15 कि ड्रॉप फैक्टर 20 देन आपन को सेया को पकेबार अछि आ जदि किछि देइनी आपन माने मन रखंदु कि माइक्रो ड्रिप सेट रे आपन माने 15 रु जीटीटी अनुसार किंतु माइक्रो ड्रिप सेट रे मिनिमम 20 जोटा कि हमर रहला ड्रॉप फैक्टर रहइबो माइक्रो ड्रिप रे रहइबो केते ना 60 आ जदि हमर बीटी सेट दे थाए बीटी सेट रहइबो केते ना 10 रु 15 आमर मेनली 10 भी यूज हुए 15 भी यूज हुए तो मेनली आमर 15 यूज हुए केबे ना बीटी सेट रे ठीक अछि भाबू जी आपण माने बुझी परले तो एही जदि आको यदि मेंशन करिनु आको ड्रिप माने ड्रॉप फैक्टर देन आपण एया को यूज करिवे तो आमर एठी कोन दिछि ना ब्यूरेट सेट आपण मनर क्वेश्चन आस्तो कि ब्यूरेट सेट रे आमर ड्रॉप फैक्टर केते तो ब्यूरेट सेट माने होची माइक्रो ड्रिप सेट तो ब्यूरेट सेट केमिति देखा जाय म आपण को देखै देबी आपण माने बहुत यूज करथिबे तो ब्यूरेट सेट रे ड्रॉप फैक्टर होची हमर 60 ठीक अछि तो देखंतु एठी हमर कोन रहला ना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टोटल टाइम इन मिनिट तो जदि हमर एठी केते दैछि 5 घंटा तो 5 घंटा को हम केमिति कैलकुलेट करबा ना 5 × 60 ठीक अछि केते मिनिट 5 × 60 कर देले हमर जति कि भला सेटा होची टोटल मिनिट तो तार हमर ड्रॉप फैक्टर बाहर जीवो म आपन को देखै दउ छी जो क्वेश्चन टी देखिए कौन ना 500 ml तो आम फ्लूइड के 500 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर ये आम ब्यूरेट सेटर के 60 ब्यूरेट सेटर है 60 देखिए 5 घंटा जी आमर के मिनिट ना 5 × 60 दैट इज 300 तो 300 हेले आमर ये 300 मिनिट ठीक अछि तो तापर आम जदि ये कौन करवा ना 00 कटिगला ये 00 कटिगला देन 3×2 छ तो ये के 50 × 2 के 100 के 100 माइक्रो ड्रिप पर मिनिट आमर चलार अच्छी ठीक अच्छे बाबूजी आपने बुझीपारे ना पुणी बैक कर देखु आपने निश्चिंत बुझीपारे ठीक अच्छे तो ब्यूरेट सेट कहले कौन मुझक भी देखे इमेज टी तो आपको यही फर्मूला निश्चिंत आपको गोटे क्वेश्चन निश्चिंत आसो सबू परीक्षा ये क्वेश्चन गोटे आसे तो जमा भी आपको हाथ छड़ा करूँ ना गोटे मार्क आप बहुत एनफ ठीक अच्छे तो आपको मन रखु तो ब्यूरेट सेट मुझे देखे दूसरी देखी नि
तो ब्यू रेट स्वेट होची हमर एटा जो थ्रे की कौन ना हमर ड्री फैक्टर केते ड्रॉप फैक्टर होची 60 ठीक अछि एटा हमर टोटल कौन ना माइक्रो माइक्रो ड्रिप जहा एटा सेया तो जम्मा भी कंफ्यूज हो बने ब्यू रेट सेट कहले कौन तार माइक्रो ड्रिप की माइक्रो ड्रिप जम्मा भी कंफ्यूज हो बने ब्यू रेट हमर सेट कहले हमर 60 तार ड्रॉप फैक्टर ठीक अछि तो बाबू जब बुझी पाले अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर कौन दीजिए देखो ए पर्सन हु लैप्स 1 मिनिट एंड क्राइज द नेक्स्ट विदाउट एनी क्लियर स्टिमुलस इज सेड टू हाव कौन कहला ना जड़े पर्सन अच्छी से किसी समय मान 1 मिनिट कांदु मान हसुचारापर कि कारण ना कि स्टिमुलस ना से कौन करना कांदुंट तो आम कौन बोली कह ठीक अच्छे ऑप्शन देखो इनकनग्रेट अफेक्ट ना यूफोरिया ना लाइबिल अफेक्ट ना स्प्लिट पर्सनालिटी तो कौन कहला एटा गोटे साइकेट्रिक रहा हूँ गोटे डिजर्डर तो देखो आमर ये कौन कहला तो यहाँ गोटे आम साइकेट्रिक डिजर्डर तो यहाँ देखो कौन कहला ना गोटे पर्सन अच्छा जे कि 1 मिनिट लाफिंग करुँच मैंने हसुच्च गोटे मिनिट तापर किसी मिनिट पर विदाउट किसी स्टिमुले किसी भी होनी किसी भी कारण ना से हसुच्च तो आम कौन बोली कह ठीक अच्छे आर आंसर जब जना आपको निश्चित कमेंट करार अच्छी तो आर राइट आंसर कौन हम राइट आंसर जो ऑप्शन सी दैट इज लाइबुल इफेक्ट ठीक अच्छे लाइबुल इफेक्ट हूँ आमर राइट आंसर तो देखो लाबुल अफेक्ट कहले आमर कौन ना लाबुल अफेक्ट इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट्स हाउ ए पर्सन एक्सप्रेस देयर इमोशन ए पर्सन विथ हिज कंडीशन माइट आइदर डिस्प्ले इमोशन एक्सेसिवली और शो इनअप्रोप्रिएट इमोशन इन स्पेसिफिक सिचुएसन तो कौन कहला ना यहाँ कौन लाइबुल इफेक्ट गोटे कंडीशन जो थे कि जड़े पर्सन मानते एक्सेसीव इमोशन देखा ना कौन करती ना कि समय मानते इमोशन एक्सेसीवली कौन करती इनअप्रोप्रिएट इमोशन देखा जोटा कि मानते किसी समय पर गोटे गोटे सिचुएसन जोटा कि हसवा कथा से कदुवे कि गोटे जगह मानते किसी जन डेथ होती कांदा कथा से मानते आपंकर जहाँ भी रहा शोक प्रकाश करने कथा से हसुवे तो आम कौन बोले कह लाइबुल अफेक्ट ये देखो एक्जामपल भी देती फॉर इंस्टेंस यू माइट फाइंड देम लाफिंग और स्माइलिंग एट ए फ्यूनेराल और ड्यूरिंग ए सैड ओकेजन जोटा मुझे एक्जामपल कहली तो आम कौन बोली कह लाइबुल अफेक्ट ठीक अच्छे भाई आप बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पांच नंबर क्वेश्चन कौन देती ए क्लाएंट विथ कैंसर डेभलप्स जेरोस्टोमिया ठीक अच्छे जड़े क्लाएंट अच्छे जी कि मानते जेरोस्टोमिया आमर डेभलप कले द नर्स कैन हेल्प टू एलिवेट द डिसकम्फर्ट आसोसीएटेड विथ जेरोस्टोमिया ठीक अच्छे ये केवल आपको बुझार अच्छे कि जेरोस्टोमिया कौन जमा भी व्यस्त हूँ ना मुझे कहीदेवि कौन है ना जड़े कैंसर पर्सन अच्छा जार कि जेरोस्टोमिया आम डेभलप है जेरोस्टोमिया केस देखाला तो नर्स जड़े कौन करेंगे जो थे कि जेरोस्टोमिया द्वारा जेकोसी आम डिफिकल्ट डिसकम्फर्ट हुए दूरे क्वेश्चन भी पूरा क्लियर है तो ऑप्शन को देखो ऑप्शन कौन देती ना ऑफरिंग हैंड कैंडी ना एडमिनिस्टरिंग एनाल्जेसिक मेडिकेशन ना स्प्लिंटिंग स्वेलन जॉइंट्स ना प्रोवाइडिंग सलाइवा सब्स्टिट्यूट तो कौन कहले ना जेरोस्टोमिया गोटे पेसेंटर डेभलप होती कौ पेसेंट ना कैंसर पेसेंट तो तार जेरोस्टोमिया रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट हेनी बोली जड़े नर्स कौन करेंगे तो आर राइट आंसर कौन हम देखु यही सिचुएशनल क्वेश्चन निश्चिंत आपको आसो जमा भी डरतु ना धर्य धरी देखु निश्चिंत आपको किसी हेल्पफुल लगे योटी तो देखो आर राइट आंसर हम दैट इज ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग सलाइवा सब्स्टिट्यूट तो जेरोस्टोमिया माने जी आप जानते आपड़ इजिली आंसर देदेवे कि जेरोस्टोमिया माने कौन मुझे देखे दूसरी सलाइवरी ग्लैंड जितेबले आमर एनफ सालाइवा प्रोड्यूस करे नहीं बा सालाइवा प्रोडक्शन आम कमी जाए से कौन हुए ना आम माउथ पूरा मान ड्राई हो जाए जोटा कि आम रहा टंग लिप ये सब पूरा ड्राई हो जाए तो से कंडीशन को कौन बोली कहते ना जेरोस्टोमिया ठीक अच्छे तो जेरोस्टोमिया केस रे कौन हुए ना पेसेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फिल कै किसी भी कहीपारे कि मान कि भी बहुत डिस्कम्फर्ट लगे तो से आम जब सालाइवा सब्स्टिट्यूट आम किसी लगोजे देन बहुत मानते आराम लगे ठीक अच्छे तो देखे एक्सप्लेनेशन आपको तो देखो जेरोस्टोमिया इज ड्राई माउथ एंड ऑफरिंग द क्लाइंट ए सलाइवा सब्स्टिट्यूट विल हेल्प द मोस्ट ठीक अच्छे तो सलाइवा सब्स्टिट्यूट जब आम किसी दौचे पार्टी कि ओठरे देन से कौन हम ना बहुत मानते आराम लगे हेल्पफुल हम ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏନ୍ଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଜେରୋଷ୍ଟୋମିଆ କେସ୍ଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନ କରେ ତ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ମାଉଥ୍ ଡ୍ରାଏ ଟଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ସେଇ କେସ୍କୁ କ'ଣ କହୁ ନା ଜେରୋଷ୍ଟୋମିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ନମ୍ବର, ରାପିଡ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କଜେସ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ରାପିଡ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାପିଡ୍ ଦେଇଦେବା କି ରାପିଡ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଦେବା ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇପରକାଲେମିଆ ନା ହାଇପୋକାଲେମିଆ ନା ହାଇପରନାଟ୍ରେମିଆ ନା ହାଇପୋନାଟ୍ରେମିଆ, କ'ଣ କମିବ କି ବଢ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଟାସିୟମ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ, ନା ସୋଡ଼ିୟମ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାପିଡ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇପରକାଲେମିଆ ପୋଟାସିୟମ ଲେବୁଲ ବଡ଼ିରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ଆମର ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆହୁଏ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍ ତାକୁ ଦିଆହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ କମେଇବା ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ ଲେବୁଲକୁ ବଡ଼ିରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ରାପିଡ୍ଲି ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରୁଛେ ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ନା ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇପୋକାଲେମିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୋଟାସିୟମ ଲେବୁଲ ପୁରା କମିଯିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ପୋଟାସିୟମ ଲେବୁଲ କମିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ହାଇପୋକାଲେମିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ 10 ୟୁନିଟ୍ସ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଲୋୟର୍ ସେରମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ବାଇ 0.6 ଟୁ 1.2 mmol ପର୍ ଲିଟର ୱିଦିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟିଂ 4 to 6 hours। ତ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ରହିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା 4 to 6 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। However, insulin may also induce unwanted effects such as hypoglycemia, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବି ମାନେ କିଛି ନ ଖାଇକିରି ନେଉଛେ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ହାଇପୋଗ୍ଲିସେମିଆ ହେବାର ବି ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ଆନ୍ସର୍ ନା ରାପିଡ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୋଟାସିୟମ ଲେବୁଲ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। କ'ଣ କହିଲା ନା 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ କ'ଣ ତ ଜଲ୍ଦି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଜଣାଥିବା କଥା କି 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ କ'ଣ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭର କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର ହେଉଛି ଆମର 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ। ତ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ ନା ଟେଷ୍ଟ ନା ଟଚ୍ ନା ବାଲାନ୍ସ। ତ ଆମର ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର ଯେଉଁ ରହିଲା 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ, ସିଏ ଆମର କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତା ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ରହିଲା ସିଏ ଆମର ଆଦୌ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଏ ଅପସନ୍ 4 ଭିତରୁ କେଉଁଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଦ ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର ନର୍ଭ ଯେଉଁଟା ରହିଲା 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ଇଜ୍ ଏ ସେନ୍ସୋରୀ ନର୍ଭ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ 2 ନର୍ଭସ୍। କ'ଣ ରହିଲା ନା କକ୍ଲିଆର ହୁଇଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲାନ୍ସ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲାନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ବାଲାନ୍ସ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ଯେତେ ବି ଆମର ସବୁ ରହିଲା 12 ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ବି ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ 8th କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଲାନ୍ସରେ ହେଲ୍ପ କରେ କିଏ ନା ଭେଷ୍ଟିବୁଲୋ କକ୍ଲିଆର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 6 to 11 months ଇଜ୍ ଗିଭିନ୍ ଏ ମେଗା ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 6 to 11 months ଭିତରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡୋଜ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାର ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ଦିଆହୁଏ ସେ ଡୋଜ୍ଟି କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ଆମର ଯେ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦିଆହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6 to 11 months ଭିତରେ, ତ ତାର ଡୋଜ୍ଟି କେତେ। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 50 lakh IU ନା 1 lakh IU ନା 1.5 lakh IU ନା 2 lakh IU। ତ ଆଇୟୁ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦିଆହୁଏ ତାର କେତେ 6 to 11 months ଭିତରେ ଆମକୁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଦିଆହୁଏ ବା କେତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମକୁ ଦିଆହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो जदि आपको राइट आंसर जाना अच्छी तो तेज़ निश्चित कमेंट कर दिखाँ। तो आठ नंबर ये राइट आंसर कौन हम देखो आर राइट आंसर हम दैट इज ऑप्शन बी 1 lakh IU। तो 1 lakh IU कौन हुए ना आमको 6 रु 11 मस भर दिया हुए जोटा कि जोटा कि मोस्टली 9 मंथ्रे दिया हुए क्या सहित तो? ना मिजिल्स वैक्सीन सहित तो। ठीक अच्छे ये आपको एक्सप्लेनेशन देखे दूँ देखूँ 6 रु 11 मस भितर आमको 1 lakh IU दि हुए। ठीक अच्छे 6 रु 11 मस भितर 1 lakh IU दि हुए देन कौन हुए ना आफ्टर देन आफ्टर 2 lakh IU इन एव्री 6 मंथ इंटरवल देन कौन कहला आमर वर्षक 2 थर बा 6 मसक थे आमको देवाक पड़ता है कितने ना 2 lakh IU। जदि आप ये क्वेश्चन मन रखुदूँ कि मानने 6 रु 11 मस वर्षे पर आमको विटामिन ए डोज दि हुए ना 2 lakh IU जोटा कि केत वर्ष दि हुए ना 5 वर्ष जाए। ठीक अच्छे तो टोटाल आमर डोजेस के 9टा आपण हिसाब जब कर रखुच्छी देखूँ 11 मस गोटे वर्ष भितर पिला के थर ना ना गोटे थर ना। ठीक अच्छे गोटे थर ना विटामिन ए तापर 5 वर्ष 5 वर्ष मैंने गोटे थर नहीं जाते वर्ष 4 वर्ष तो 4 वर्ष भितर जब वर्षक 2 थर ना आम 4 वर्ष भितर ना कत 8 थर प्लस फास्ट नहीं 6 रु 11 मस भितर गोटे तो आम टोटाल डोज है 9टा। तो बेले बेले बहुत क्वेश्चन आसी रिपीटेड क्वेश्चन कि टोटाल डोज गोटे पिला आमर केतेटा विटामिन ए प्रोफाइलैक्सीस पाइब तो ये राइट आंसर कौन हम ना दैट इज राइट तो सीट राइट आंसर कौन हम ना टोटाल डोज हूँ 9। ठीक अच्छे भाजी आप बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ml ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू कौन कहला ना आम 1 ml इंसुलिन जी आमर केूनिट अप्सन देखु 10 यूनिट ना 20 यूनिट ना 40 यूनिट ना 60 यूनिट तो 1 ml इंसुलिन आमर केूनिट। ठीक अच्छे आपण मैंने जाथे भावी 1 ml इज इक्वल टू 40 यूनिट इंसुलिन तो आमर 40 यूनिट इंसुलिन जो सीरीज आसे से 1 ml। ठीक अच्छे आमर एमती बेले बेले भी आसे जोटा कि 1 ml इंसुलिन आमर 100 यूनिट भी कंटेन करे। ठीक अच्छे तो यहाँ डिफर करे कि मोस्ट प्रोबेबली आम 40 यूनिट आसे जोटा कि 1 ml इंसुलिन सीरीज्रे। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जोटा कि आपं क्वेश्चन टी अच्छी मुझे आपको फास्ट रू कही आइडेंटिफाए द इमेज तो ये इमेज टी कौन। ठीक अच्छे आपको कहार अच्छी भावुच यहाँ टी डिफिकल्ट हम तथापि कह चेस्टा करूँ देखु ये इमेज टी आम कौन ऑप्शन देखु ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देखु ऑप्शन कौन ना स्मिथ ट्रैक्शन ना डनलप ट्रैक्शन ना बकस ट्रैक्शन ना गैलो ट्रैक्शन तो यही जो ट्रैक्शन टी दिखाई तो आमर ये ट्रैक्शन टी 4 ऑप्शन भितर कौटाक आपको जब जना अच्छी तो तले निश्चिंत कमेंट कर दिखाँ मुझे रिप्लाई देवी आर आंसर जानवाप चाहूँ आप नेक्स्ट वीडियो में निश्चिंत आंसर जापर। ठीक अच्छे तो देखो आर आंसर आपको तले जल्दी जल्दी कमेंट कर दिखाँ। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो 11 नंबर शॉर्ट सफलिंग गेट इज सीन इन तो शॉर्ट सफलिंग गेट आमर कौ केस देखा जाए देखो अल्जाइमर्स डिजीज ना पार्किनसन्स डिजीज ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस ना माइस्थेनिया ग्राविस। ठीक अच्छे तो आमर कौटी शॉर्ट सफलिंग गेट देखा जाए आपको जब जना अच्छी निश्चिंत तले कमेंट कर दिखाँ। राइट आंसर कौन हम ना शॉर्ट सफलिंग गेट आम कौन देखा जाए ना पार्किनसन डिजीज रे आमर शॉर्ट सफलिंग गेट देखा जाए। ठीक अच्छे तो अल्जाइमर्स डिजीज रे आमर कौन देखा जाए मेनली डिमेंशिया देखा जाए जोटा कि मेमोरी डिजऑर्डर हुए अल्जाइमर्स डिजीज रे। पार्किनसन डिजीज रे कौन हुए ना शॉर्ट सफलिंग गेट जोटा कि मैंने बंकालिया चलिया कि नई हे चलिया जोटा कि पार्किनसन डिजीज रे बहुत देखा जाए। ठीक अच्छे तो माइस्थेनिया ग्राविस कौन ना माइस्थेनिया ग्राविस रे आमर पटोसिस देखा जाए जो थे कौन ना आईलिड आमर अनवांटेडली पड़ जाए जोटा कि मसल आउ नर्व उपर एतटा मानने मानने कंट्रोल रुहे जोटा कि माइस्थेनिया ग्राविस। ठीक अच्छे तो आप बुझीपारे तो देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर मिल इज आब्रिवेटेड आज तो कौन कहला ना आफ्टर मिल को आम कौन आब्रिवेशन कर मेडिकल टर्म रे देखु HS ना SC ना PC ना PM देखु बहुत कन्फ्यूजिंग आपण मैंने जानते आफ्टर मिल को आमर कौन लिखा हुए ना आफ्टर फुड कि बिफोर फुड ये कितु देनि AF कि BF। ठीक अच्छे तो जमा भी व्यस्त होने मुझे आपको राइट आंसर कहीदेवि देखु तो आफ्टर मिल आम आब्रिवेटेड कौन पर देखु क्या कराए देखु आफ्टर मिल कहले कौन ना ऑप्शन सी द राइट आंसर दैट इज PC PC मैंने कौन मुझे एक्सप्लेनेशन देखे दूँगी तो ऑप्शन सी राइट आंसर जोड़ा रहा PC PC कौन PC मान हूँ
आफ्टर मिल जोटा कि रहा तार कौन मेडिकाली ना पोस्ट शिवम ठीक अच्छे तो पीसी हूँ आम आफ्टर मिल एसी हूँ बिफोर मिल जोटा रहा आंटी शिवम ठीक अच्छे जो आम प्रेसक्रिप्सन में ये सब लिखाई थी निश्चिंत आपने डाउट होते हैं मन रखुद जमा भी डाउट हेनी आईया क्वेश्चन भी बहुत थर आसी ट्रिपल एस ठीक अच्छे भाजपा आपर मन रही है नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेशनल एड्स तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन तो आम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लॉन्च होता 1950 ना 1990 ना 1992 ना 1995 तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आम इंडिया के लॉन्च होता ठीक अच्छे आपको जब जना तले निश्चित कमेंट कर दिखाँ तो आर राइट आंसर कौन हम देखो राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 1992 मसीह आम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आमर इंडिया रे लॉन्च होता देखु इंडिया एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज ग्लोबली आक्लेमेड कौन है आज ए सक्सेस स्टोरी द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जोटा रहा है एनएससीपी लॉन्च्ड इन 1992 इज बीइंग इंप्लीमेंटेड आज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एचआईवी एड्स इन इंडिया ठीक अच्छे तो आम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के स्टार्ट होता के लॉन्च होता 1992 मसीह ठीक अच्छे भावुँ आप मन रोक तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 14 नंबर देखो आदम्स आपेल इज मोर प्रोमिनेंट इन आमर जोटा रहा आदम्स आपेल आदम्स आपेल कौन जी आपको जना थे निश्चित आपने भावे राइट आंसर दे पारे तो आदम्स आदम्स आपेल आमर क्या प्रोमिनेंटली देखा जाए ऑप्शन देखो ए इन एडल्ट फीमेल बी इन एडल्ट मेल सी इन मेल चाइल्ड देखो डी कौन दे ना इन फीमेल चाइल्ड तो आदम्स आपेल आम कौटी प्रोमिनेंट देखा जाए आपको कमेंट कर रईट आंसर जना भाई बहुत 99% पिला आर रईट आंसर देवे तो आर रईट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी द रईट आंसर दैट इज आडल्ट मेल जोटा कि रहा कौटी देखो मुझक इमेज टी देखी आक्सप्लेनेसन कहीदी आदम्स आपेल्टी आम कौन देखो आदम्स आपेल इज द लारिंजियल प्रोमिनेंस फॉर्म बाय द थायरॉइड कार्टिलेज एट द टॉप ऑफ द ट्राकिया इनटू द फ्रंट ऑफ द नेक ठीक अच्छे जोटा कि बेक पाखे लारिंजियल प्रोमिनेंस जोटा बाहर थाए कौन बोल कौ ना आदम्स आपेल इट इज मोर प्रोमिनेंट इन एडल्ट मेन दैन इन ओमेन ड्यू टू इनफ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक अच्छे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आमर मेन मानते अधिका देखा जाए जोटा कि प्रोमिनेंट देखा जाए आदम्स आपेल ओमेन मान अपेक्षा ठीक अच्छे तो मुझे देखे दूसरी चित्र में देखो ये जो आम प्रोमिनेंसटी बाहरी आम कौन बोली कहू ना आदम्स आपेल ठीक अच्छे भाव आप बुझीपारे आमती जमा भी भूलें नहीं आई की पॉइंट को आपर नोट्रे लिखुद ना स्क्रीनशॉट कर रखुद जमीक एग्जाम पूर्व आपको केवल ओवरलुक कर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पर्ट्यूसिस इज नोन आज तो पर्ट्यूसिस को आम कौन बोली कहू एंटेरिक फेवर ना हुपिंग कफ ना जर्मन मिजिल्स ना रुबेला देखु पर्ट्यूसिस को अदर ना कौन कि पर्ट्यूसिस को आम कौन बोली कहू ठीक अच्छे ये ऑप्शन भितर कौटा राइट आंसर हम जब जना तले निश्चिंत कमेंट कर दिंतु तो आर राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन बी द राइट आंसर दैट इज हुपिंग कफ तो हुपिंग कफ अदर नेम हूँ पर्ट्यूसिस आपको हुपिंग कफ दे अदर नेम आप पर्ट्यूसिस कहीपारे पर्ट्यूसिस दे हुपिंग कफ कहीपारे भाई आपने बुझीपारे तो देखु पर्ट्यूसिस अल्सो नोन आज हुपिंग कफ इज ए हाइली कंटाजियस रेस्पिरेटरी डिजीज इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कौन रहा ना बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस देखु आर बैक्टीरियम कौन रहा ना बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस पर्ट्यूसिस इज नोन आज अनकंट्रोलेबल वायलेंट कफिंग व्हिच ऑफन मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ ठीक अच्छे पर्ट्यूसिस जोटा कि रहा रेस्पिरेटरी डिजीज कौन करे ना तार बैक्टेरिया किए ना बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस तो पर्ट्यूसिस ओडिया ना हूँ लहरा काश ठीक अच्छे जोटा कि काश आम बहुत टाइम पाई रहिबो ठीक अच्छे तो लहरा काश को आम कौन बोली कहू जोटा कि रहा पर्ट्यूसिस ठीक अच्छे तो भाव आपने बुझीपारे तो देखो यहाँ थी आज लास्ट क्वेश्चन जदि आपको ये वीडियो सेक्शन भी भल लगी तो वीडियो को निश्चिंत लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सेयार करूँ आदि ये वीडियो देखुं निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को ऑल रखुद आज जब किसी भी आपर डाउट अच्छी आम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी व्हाट्सएप आ टेलीग्राम रहा आमको पचारिपारे क्वेश्चन आम आपड़ा जब किसी भी क्वेरी अच्छी आम सहित डिस्कसन करेंगे आम पूर्व वीडियो जब आप देखी ना जाकि तले डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स लिंक अच्छी
এপর্যন্ত যেতে বি ভিডিও বনাইছি তো সবুর লিঙ্ক আছে যাই সেটু মধ্যে আপনার ভিজিট করে পারবে দেখি পারবে ঠিক আছে। এইভাবে ভিডিওকে দেখা চ্যানেলকে সবসক্রাইব এবে করে রাখুন বেল আইকনকে অল রাখুন। তো আজ এই ভিডিওকে রাখবা নেক্সট দেখাব আগামী এমনি গোটে ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সহ ঠিক আছে। আজ রইলি জয় জগন্নাথ।